आम आदमी पार्टी ने सुर्खी में फूका चुनावी बिगुल, हरियाणा से आए विधायक ने निकाली रैली। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को काफी कम वक्त बचा हुआ है। वहीं सुर्खी विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस ने पहले ही चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर गई है। शनिवार दोपहर सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी और हरियाणा के विधायक जगतार सिंह राहतगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे राहतगढ़ नगर में रैली निकाली, जो कृषि उपज मंडी से शुरू हुई, जो बस स्टैंड, बाजार, पुराना थाना, वनैनी घाट, बुधवारा बाजार होते हुए बस स्टैंड, रेस्ट हाउस पर समाप्त हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों से जनसंपर्क किया और आम आदमी पार्टी की रीति नीति से भी अवगत कराया। साथ ही प्रदेश सह प्रभारी व विधायक जगतार सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और इस बार पूरी दमखम से प्रदेश में आप पार्टी चुनाव लड़ेगी। सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में बदलाव अपने थी, जिसके लिए सभी वर्कर इकट्ठे हुए थे और वर्कर पूरा जोश है, क्योंकि जो मैं देखा है पिछले दिनों में, आपको पता है कि लगभग लंबे समय से 18 साल हो गए भाजपा का शासन रहा है और देश की, खास करके MP की जनता इस टाइम बहुत बदलाव चाहती है। और आज मैंने देखा कि बहुत से कार्यकर्ताओं को रोका भी गया जाने के लिए, फिर भी चंद्रशिला बुमरा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पूरे MP के लोग बदलाव चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा है, पूरे MP में बड़ा अच्छा माहौल है और पूरी की पूरी MP जैसे बदलाव चाहती है। आपने देखा है पहले दिल्ली में जैसे आम आदमी की पार्टी आई, उसके बाद ये बदलाव पंजाब में आया और पंजाब में आप जानते हैं जैसे दूसरी पार्टियां सभी वादे करती हैं, हम गारंटी लेकर आते हैं और गारंटियां तो पूरी करने की भी अरविंद जी गारंटी देते हैं। नई पार्टी अब नेशनल पार्टी है, तो एक ऐसी पार्टी है जो बहुत तेज़ी से सबसे कम समय में नेशनल पार्टी बनी है। तो मैं तो लोगों को कहना चाहूँगा, आपको पता है जहाँ का विधायक जो पहले इलेक्शन किसी और पार्टी से जीतता है, बाद में किसी और पार्टी से में आ जाता है, लोगों को यही कहना चाहूँगा इन झूठे लोगों से दूर रहें और एक मौका आम आदमी पार्टी को जरूर दें। नहीं, जो एक्चुअली ये है कि सर्वे किया जाएगा, सर्वे में जिसका नाम भी आएगा उसको आगे लिख पाएंगे।